हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑटोसोमल डिसऑर्डर इज फिनाइल कीटोन यूरिया। इट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इट इज़ इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर। फिनाइल कीटोन यूरिया, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस डिजीज? इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया? It is caused due to lack of phenylalanine hydroxylase enzyme. What is the function of this enzyme? This enzyme converts phenylalanine into tyrosine amino acid. Which enzyme? Phenylalanine hydroxylase enzyme. When this enzyme is absent, so phenylalanine does not convert into tyrosine. Then, अगर ये tyrosine में convert नहीं हुआ तो क्या हुआ? Phenylalanine converts into phenyl acetic acid. Pyruvic acid. Phenyl pyruvic acid. ये इसमें चेंज होने लग जाएगा। अब फिनाइल पाइरुविक एसिड जो है, स्टार्टिंग में तो देखिए क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो देखने में नॉर्मल लगता है, बट आफ्टर 4 वीक्स डेवलपमेंट, जब ये फिनाइल पाइरुविक एसिड का लेवल राइज होने लगता है बॉडी में, तो ब्रेन जो है वो डैमेज होने लगता है। यानी पाइरुविक एसिड है, फिर आगे और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल लैक्टिक एसिड, ये इनमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इनके फॉर्मेशन से ब्रेन डैमेज होने लग जाएगा। जो वो चाइल्ड है वो आफ्टर 6 मंथ उसमें मेंटल रिटार्डेशन अपीयर हो जाएगी। और ये जो सब्सटेंस है, फिनाइल पाइरुविक एसिड, फिनाइल लैक्टिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड, इनको किडनी भी रीअब्सॉर्ब नहीं करती है, तो ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट होते हैं। यूरिन के साथ एक्सक्रीट होने से इसलिए इनका नेम है फिनाइल कीटोन यूरिया, क्योंकि ये सब्सटेंस क्या होते हैं, इनका पूर एब्जॉर्प्शन होता है, पूर एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस बाय किडनी। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? मेंटली रिटार्डेशन। और जब लेवल हाई हो रहा है, यानी आफ्टर 4 वीक्स जब फिनाइल पाइरुविक एसिड का लेवल हाई होता है, तो ब्रेन जो है वो डैमेज होता है, और साथ साथ जो स्किन है उस पर भी पैचेस बनने लग जाते हैं, ब्लैक पैचेस। यानी जो कार्टिलेजेस होते हैं पार्ट नोज ईयर, वहाँ पे क्या ब्लैक पैचेस बनने लग जाते हैं। तो ब्रेन के डैमेज होने से क्या अपीयर होने लग जाती है? मेंटल रिटार्डेशन। आफ्टर बर्थ चाइल्ड लुक्स नॉर्मल, बट आफ्टर 4 वीक्स फिनाइल पाइरुविक एसिड लेवल राइजेस, और ये इसमें फर्दर जो है इन सब्सटेंस में चेंज होता है, और इनके फॉर्मेशन से ब्रेन डैमेज, ब्रेन से मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन के साथ साथ यानी नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के साथ साथ स्किन में पैचेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में जैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो स्किन पियर ब्लैक,